मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या सदस्य ना हो भी, मैं हमेशा भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर करता हूँ, पसंद करता हूँ। और जिस प्रकार की भूमिका लोकसभा चुनाव में कुछ अधिकारी उन्होंने निभाई, ऐसे अधिकारियों के प्रति जो विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बैकड्रॉप पर ले जाना चाहते हैं, सरकार बनने में बाधा बने हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं को या अन्य एमएलए को वेट नहीं देते, उनका समय पर काम नहीं करते हैं, तो उसको लेकर के मेरी नाराजगी थी। भारतीय जनता पार्टी से ना तो मैं कभी नाराज हुआ ना हो सकता, और मैंने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को और अब माननीय नायर सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको समर्थन दे रखा है। और ये भी मैंने कह रखा है कि 5 साल पूरे होने तक 1 मिनट पहले तक भी मैं आपके साथ रहना हूँ, किसी सूरत में भी मैं भाजपा की सरकार को सपोर्ट विड्रॉ नहीं कर सकता। सरकार से हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया था, दे रखा है और हमेशा जारी रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ते हैं उनको हराने की कोशिश भी की गई, ये तमाम बातें भी आपने सरकार के बस रखी, क्या सरकार के खिलाफ काम कर सकते हैं? देखिए, अधिकारी गणों का काम, और ऐसा भी नहीं है कि सभी अधिकारी, कुछ चुनिंदा अधिकारी, उनको निष्पक्ष काम करना चाहिए। सरकार किसी की भी बने, जीत हार किसी की भी हो, सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों का काम है सरकार के लिए और लोगों के लिए काम करना। तो उन लोगों को किसी तरह की राजनीति में नहीं आना चाहिए, उनको बचाव करना चाहिए ऐसे कोई बयानबाजी से या इस तरह की जो इन्वॉल्वमेंट उनकी इसमें होती है। तो मेरा केवल एक ही मानना था कि भाई किसी भी हाल में चुनाव तो आने वाले समय में होगा, तय होगा कि भाई कौन बनता है, किसकी सरकार बनती नहीं बनती, लेकिन अधिकारी गणों का काम है जो सरकार है उसके साथ काम करना, निष्पक्ष रूप से काम करना, ये मेरी जो मांग थी। जैसे ये बात भी सामने आई थी कि आप शायद सरकार से समर्थन वापस ले सकते हैं, इसका मतलब आप डटकर खड़े हैं सरकार के साथ? देखिए, मैंने ये नाराजगी कुछ अपने सदस्यों के साथ व्यक्त की थी और कहीं ना कहीं से ये मीडिया के पास भी चली गई, और जो पूरा दिन समर्थन वापस ले सकते हैं, कांग्रेस में जा सकते हैं, तो ये मेरे कल्चर में नहीं है। मैंने पहले दिन से कह रखा है कि मैं ये जो पीठ दिखाने का काम नहीं करता, और मेरा समर्पण और आत्मसमर्पण ही मेरी पहचान है, कि मैं पूर्ण रूप से समर्पण के साथ माननीय मनोहर लाल जी के साथ रहा, अब माननीय नायक सैनी जी के साथ हूँ, हरियाणा सरकार के साथ हूँ, और हमेशा भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करता रहा हूँ। 2 बार चुनाव मैंने भारतीय जनता पार्टी से लड़ा भी है, और पसरते मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश हित में काम करती है, देश से प्रेम करती है, और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करता हूँ, उसके साथ लगा हूँ। अब जिस तरह से मुलाकात आपके मुख्यमंत्री नायब सैनी से भी हुई है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे केंद्रीय मंत्री हैं वो भी आपका स्नेह उनके साथ कभी भी इस तरह उन तक भी बात पहुंची है, तो अब किस तरह का आश्वासन उनकी तरफ से या क्या बात कही गई है इन अधिकारियों के बाबत जिनसे जो काम है? पूर्व मुख्यमंत्री अब जो केंद्र में मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी मेरी जो ना बातचीत हुई है फोन पे, आज उनके साथ मेरी बैठक भी है, और जो हमारे प्रभारी रहे हैं श्री विप्लव देव जी उनके साथ भी मेरी बात हुई है, जो अब हमारे चुनाव के सह प्रभारी हैं, और वो भी इस बात को बार बार कहते हैं कि भाई अधिकारियों को थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए और एमएलए का वेट थोड़ा अच्छा होना चाहिए, एमएलए को वजन दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले समय भी अपने एमएलए को जिताकर हम सरकार बना सकें। और माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी हमेशा, चाहे वो किसी पार्टी के एमएलए है, उनको वजन देने की बात हमेशा कही है, चाहे वो प्रिविलेज कमेटी के माध्यम से, चाहे अन्य प्रिविलेज कमेटी से। तो मेरा कहने का भाव केवल ये है कि भाई कोई भी ऐसी बात जो लोगों के हित में ना हो, विकास में रुकावट ना डाले, ऐसी अधिकारियों की तरफ से कोई बात नहीं आनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, 2019 में आप निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत कर आए हैं, जबकि 2009 या 2014 में आप भाजपा के टिकट से ही चुनाव लड़े थे, कहीं ना कहीं भाजपा के ही सिपाही रहे हैं, निर्दलीय होते हुए भी आप भाजपा को पूरा समर्थन देते रहे पूर्ण समर्पण के साथ, अब आने वाले चुनाव में अगर किस तरह की रणनीति रहेगी, क्या भाजपा से टिकट मिल सकती है, अगर नहीं मिलती तो क्या सूरत रहेगी, क्या सोचा है? देखिए, पहली बात तो मैं प्रो भाजपा ही माना जाता हूँ, और जैसा अभी हमारे लोकसभा चुनाव के दौरान माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी जो हमारे यहाँ से मंत्री बने हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि नैनपाल रावत के ब्लड में भाजपा बसती है, कनकन में भाजपा बसती है। उसका मैंने कारण बताया कि
ये नेशन फर्स्ट को लेकर के पार्टी चलने वाली है, देश प्रथम है इसके लिए, और हमारे लिए भी देश प्रथम होना चाहिए जिस मिट्टी और जिस देश में हमने जन्म लिया है। राजनीति का आना जाना, हार और जीत हमेशा लगी रहती है, लेकिन अपने देश के लिए हमें जो हमारी जिम्मेवारी बनती है वो हमें निभानी चाहिए देश के प्रति। और जैसे मैंने नायब सैनी जी ने भी कल जो मेरी ग्रीवेंसेस थी, किसी अधिकारी को हटाना है या उसको क्या बोलना है, वो सारी बातें हो गई हैं, और मैं समझता हूँ कि अब उन पर जो भी कार्रवाई बनती होगी, चाहे वो उनके ट्रांसफर के माध्यम से चाहे अन्य माध्यम से, और जब एक बार सरकार का संज्ञान बात चली जाती है तो निश्चित तौर पर वो लोग अब सीधा सीधा काम करेंगे या वहाँ से चले जाएंगे।